ईशा फाउंडेशन सद्गुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है जो पिछले 3 दशकों से हर इंसान और पूरे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। पिछला दशक ईशा और सद्गुरु के लिए तरह तरह की गतिविधियों का एक जबरदस्त समय रहा है। पूरे विश्व पर प्रभाव डालने वाली सामाजिक परियोजनाओं, दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को छूने वाली आध्यात्मिक प्रक्रियाओं और मानव चेतना को ऊंचा उठाने वाले शक्तिशाली प्राण प्रतिष्ठित स्थानों का व्यक्तिगत स्तर पर इंसानों पर और साथ ही पूरी दुनिया पर एक गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले 1 दशक में सद्गुरु ने स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और घरों में व्यक्तिगत कार्यक्रमों, ऑनलाइन कार्यक्रमों और बड़े पैमाने पर आयोजित समारोह के माध्यम से आत्म रूपांतरण के निशुल्क साधन भेंट किए हैं। ये सरल अभ्यास समाज के सभी वर्गों के लोगों की अपना जीवन अपने हाथों में लेने में मदद करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में सद्गुरु को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया गया था। योग की मदद से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिश का सद्गुरु एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि योग के बुनियादी सिद्धांतों को पूरे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में कैसे लागू किया जा सकता है। योग का मतलब है कि आप अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को मिटा दें, ये चीज लोगों के अनुभव में लाना कि जिसे वे मैं मानते हैं वो उनकी भौतिक प्रकृति की सीमाओं के भीतर नहीं है। अगर ये एक जीवंत सच्चाई बन जाए तो जो लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के लिए बनाए हैं उन्हें हासिल करना कहीं ज्यादा संभव हो जाएगा। सद्गुरु, आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सियाचिन में थे, वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा? पूरी दुनिया भीतरी खुशहाली के लिए भारत की ओर मुड़ रही है। हमें इस चीज को हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचाना ही होगा ताकि हमारे सैनिकों और अधिकारियों के पास अपने मन और आंतरिकता को मैनेज करने की बेहतरीन क्षमता हो। ईशा योग केंद्र में होने वाला महाशिवरात्रि महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। टेलीविजन पर, ऑनलाइन और ईशा योग केंद्र में करोड़ों लोग सद्गुरु द्वारा भेंट किए गए ध्यान और प्रक्रियाओं के माध्यम से इस रात की शक्ति का अनुभव करते हैं। आदि योगी विल इंस्पायर मेनी जनरेशन टू टेक अप योगा। प्लेस वेयर वी हैव गैदर्ड इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू इमर्स एंड डिस्कवर ट्रूथ। The only remarkable thing that Sadhguru has done, he has made yogis out of ordinary common people. मैं वही संवेदनाएं महसूस कर रहा हूं जो मैंने कैलाश मानसरोवर में महसूस की थी। Pay my respect to Sadhguru for organizing Mahashivaratri celebrations on such a grand scale. मेरा काम है रहस्यमय को सरल और सुलभ बनाना। आपको अपने तर्क को विकसित करके स्थापित करना होगा और फिर उसे पार कर जाना होगा। अगर आप तर्क को पार नहीं करते तो जीवन का जादू, जीवन का रहस्य और अस्तित्व की रहस्यमय प्रकृति आपको कभी नहीं छू सकती। ऐसा नहीं है कि इंसान यहाँ या वहां जाए बिना परम सत्य तक नहीं पहुंच सकता। वो इसे अपने भीतर ही प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में सही समय पर सही जगहों पर जाने से निश्चित रूप से ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर आप इस मांस को या यहां तक कि एक पत्थर को या एक खाली जगह को एक दिव्य संभावना बना सके तो इसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका विकास डार्विन के पैमाने पर हो। प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहकर आप आसानी से छलांग लगाकर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।
अगर मुझे जरूरी मदद और परिस्थिति दी जाए तो मैं पूरी दुनिया को प्राण प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। यही मेरी खासियत है। मैं हवा को भी एक बेहद शक्तिशाली जीवंत जगह में बदल सकता हूँ। हमने यहाँ ईशा योग केंद्र में एक बहुत शक्तिशाली तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की है। यहाँ इस पीढ़ी और मानव जाति के भविष्य के लिए जरूरी प्राण प्रतिष्ठाएं और ऊर्जा की स्थापना की जा चुकी है। हमने यहाँ इन पिछले 3 दिनों में जो किया है, आप सभी की इसमें एक भूमिका रही है। ये आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र को रूपांतरित कर देगा। ईशा फाउंडेशन में हमेशा इसी पर जोर दिया जाता है, समग्रता न कि क्षमता। मैं उन्हें क्षमता दूंगा, हम लोगों में क्षमता डाल सकते हैं, पर उनमें शरीर, मन और ऊर्जा की बुनियादी समग्रता होनी चाहिए। समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो दूसरों की खुशहाली के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार हो। तो आध्यात्मिकता को इसकी मौलिक शुद्धता में बनाए रखने और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने के लिए ब्रह्मचारी भविष्य के लिए एक निवेश है। अगर आप कुछ ऐसा कर सकें जो आपसे बहुत बड़ा है, तो ये एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो जब आप योग सिखाना शुरू करेंगे तो कई दूसरी चीजें होंगी जो आप खुद नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे लोगों को बनाना जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत हों, यानी आध्यात्मिक प्रक्रिया सिर्फ सुबह और शाम की बात ना हो, ये बस आपकी सांस की तरह लगातार चालू और उतनी ही वास्तविक हो, क्योंकि इन लोगों के बिना कोई आध्यात्मिक आंदोलन तैयार नहीं किया जा सकता है। ईशा योग कार्यक्रमों का विस्तार जारी है। सबसे प्रमुख इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम अब 14 भाषाओं में ऑनलाइन उपलब्ध है। आपकी खुशी और दुख, आपका प्यार और नफरत, आपका दर्द और सुख, या ये सभी अनुभव आपके द्वारा बनाए हुए हैं। आप इसे अपने हाथों में ले सकते हैं और आपको लेना चाहिए। आप खुद अपना जीवन बनाते हैं। इनर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको जीवन को मनचाहा रूप देने के साधन देने के लिए बनाई गई है। इनर इंजीनियरिंग प्रक्रिया ने लोगों को स्पर्श किया है और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को इससे लाभ मिला है, जिसमें व्यवसायी, छात्र, गृहिणियां, सार्वजनिक हस्तियां, ग्रामीण समुदाय और जेल के कैदी शामिल हैं। हमने पिछले 3 वर्षों में ईशा योग पर कुछ शोध भी किए। ये उस जीन्स को सक्रिय कर रहा है जो कोरोना वायरस को कोशिका को संक्रमित करने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि डिप्रेशन और घबराहट के केसेस में 50% की कमी पाई गई। सद्गुरु ने ईशा के हठ योग स्कूल की भी शुरुआत की। वे लोग जो मानसिक क्षमता के एक स्तर को बनाए रखना चाहते हैं और खुद को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उनका शरीर उनके जीवन में बाधा न बने, वे सभी धीरे धीरे योग करने लगे हैं पूरी दुनिया में। अगर हम सभी सही चीजें करते हैं तो आने वाले 15 सालों में मानव चेतना में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सद्गुरु ने साधना पाद कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें प्रतिभागी ईशा योग केंद्र में रहकर शक्तिशाली प्रक्रियाओं के माध्यम से आंतरिक खुशहाली पा सकते हैं। ये कार्यक्रम दुनिया भर से आए साधकों को निशुल्क भेंट किया जाता है। वे अलग अलग जगहों पर वॉलंटियरिंग करेंगे, लेकिन इसका उपयोग आपके विकास के लिए एक साधना की तरह किया जाएगा। 6 महीने के अंदर अपने शरीर में आपको ज्यादा मजबूत और युवा हो जाना चाहिए। अपने मन में आपको अधिक तेज और स्थिर हो जाना चाहिए। अपनी भावनाओं में आपको बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। अपनी ऊर्जाओं में आपको तीव्र और स्थिर हो जाना चाहिए। हम इस तरह के लोगों को दुनिया में लाना चाहते हैं। सद्गुरु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन बदलने के लिए जाने जाते हैं। उनका मिशन है आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक खुशहाली का प्रसार, जिसके लिए वे न्यूयॉर्क आए हैं। खुद को रीसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? री इंजीनियरिंग? ये इनर इंजीनियरिंग है। हमारे भीतर की चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि हमने खुद को अपने हिसाब से नहीं बनाया है।
अच्छी इंजीनियरिंग यानी इसे हमारे हिसाब से काम करना चाहिए, है ना? अगर अमेरिका लीडर्स और आम आदमी की चेतना को विकसित करने में निवेश करता है तो उनमें दुनिया के जीने के तरीके को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। अपनी नई पुस्तक इनर इंजीनियरिंग में योगी सदगुरु बताते हैं कि योग क्या है और क्या नहीं है। मेरी उस समानता में बहुत दिलचस्पी है जो विज्ञान और अध्यात्म की हमारी दुनियाओं के बीच है। मुझे लगा हम एक ही धरती पर रहते हैं। एक बड़ा अध्ययन सामने आया है, अमेरिका में 54% चिकित्सक तनावग्रस्त पाए गए हैं। दुनिया के चिकित्सक कम से कम उन्हें सेहत और जीवंतता का उदाहरण बनना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। हमारी ओर से जो कुछ भी जरूरी है हम येल और आपके लिए करने को तैयार हैं। सर डूलिटल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आपने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बेथ इजराइल अस्पताल में सदगुरु सेंटर फॉर कॉन्शियस प्लैनेट शुरू किया है। मनुष्यों के रूप में हम बेहद सशक्त जीवन हैं, जो काम 10,000 लोग नहीं कर सकते थे आज एक व्यक्ति कर सकता है। जब हमारे पास ऐसी क्षमता हो तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत स्तर पर इंसान चेतना की एक ऊंची अवस्था में हो। यह अद्भुत अनुभव है। मैं इस अद्भुत व्यक्ति सद्गुरु से बात करके बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जो मूल निवासियों की संस्कृति को जानने के लिए अद्भुत यात्रा पर है। आसपास की हर चीज के लिए पूरा जुनून और अपने खुद के जीवन और अपनी खुद की मृत्यु के प्रति अनासक्ति। मुझे लगता है कि आधुनिक समाजों को प्राचीन समाजों से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। मैं उनकी आत्मा देख पा रहा था, वो बहुत मजबूत है। दुनिया को सद्गुरु के अगले कदम का इंतजार है और देवियों और सज्जनों वो चल पड़े हैं। Sadguru, ladies and gentlemen, Sadguru, Sadguru. सद्गुरु का नेतृत्व के साथ जुड़ाव पिछले एक दशक में जारी रहा है। वैश्विक व्यापार मंचों, नेतृत्व संस्थानों और कॉरपोरेट आयोजनों में सद्गुरु की बहुत मांग रही है और दुनिया भर के विभिन्न प्रभावशाली नेताओं के साथ भी वे जुड़े रहे हैं। सद्गुरु, मुझे खुशी है कि आप आज यहाँ विश्व बैंक में हमारे साथ हैं और मैं जानती हूँ कि मेरे कई सहयोगी आपकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। पिछले 20 सालों में मेरा मूल कार्य नेतृत्व के साथ रहा है। नेतृत्व के अनेक स्तर, व्यावसायिक नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व। मेरा काम काफी हद तक लोगों को उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से एक बड़े दृष्टिकोण की ओर ले जाना रहा है। एक दिव्यदर्शी और एक गुरु होने के नाते आप पूंजीवाद, व्यापार और भौतिकवाद के बारे में क्या सोचते हैं? व्यवसायों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि आपको दुनिया की समस्याओं को हल करने के बारे में सोचना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ अजीबोगरीब महत्वाकांक्षाओं के बारे में। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कहाँ? सद्गुरु ने सचेतन नेतृत्व की जरूरत के बारे में जो गति और जागरूकता पैदा की है उसे आगे बढ़ाते हुए सन 2012 में उन्होंने ईशा लीडरशिप एकेडमी की शुरुआत की, जो 4 दिन के वार्षिक लीडरशिप कार्यक्रम इनसाइट और 3 दिन के ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स सम्मेलन भेंट करती है। बहुत ही जबरदस्त, वास्तव में अद्भुत, अविश्वसनीय। मैं वर्षों से कई व्यावसायिक सेमिनारों में गया हूँ, मुझे यकीन है कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन। ईशा के प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद के दशक में यह देखा गया है कि ईशा पर्यावरण के क्षेत्र में एक प्रभावशाली विश्वव्यापी आवाज बन गई है, जिससे नीतियों को आकार देने में और पर्यावरण को एक प्रमुख सार्वजनिक चिंता के विषय में बदलने में मदद मिल रही है। दुनिया के राजनीतिक दलों को हर घोषणा पत्र में पर्यावरण को नंबर 2 के एजेंडा पर रखना चाहिए। हम इसे अगले 5 सालों में पूरे विश्व में हासिल करना चाहते हैं। सद्गुरु ने कावेरी पुकारे और नदी अभियान जैसी बड़ी पहल भी शुरू की है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, पानी की कमी, हवा में कार्बन के बढ़ते स्तर और किसानों की गरीबी को दूर करने के समावेशी प्रयास हैं।
नदी अभियान मोटे तौर पर एक जागरूकता अभियान था ताकि हम अपनी नदियों संबंधी नीतियों में बदलाव लेकर आएं। नीति आयोग ने सभी 29 राज्यों के लिए इसे एक आधिकारिक सिफारिश बना दिया है। हमने यवतमाल क्षेत्र में जमीनी कार्यवाही कार्यक्रम शुरू किया है जिसे दुर्भाग्य से इस देश की आत्महत्या राजधानी कहते हैं। ये कार्यवाही वघाड़ी नदी के लिए है जो 54 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। कावेरी पुकारे एक परियोजना है जिसमें किसानों, सरकार और व्यापक नागरिक समाज की साझेदारी है। अब हम बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों पर आधारित कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हमें नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2.42 अरब पेड़ों की जरूरत है। अब सरकार सब्सिडी दे रही है और नीति में ढील मिली है कि हम जब चाहें पेड़ों को उगा सकते हैं और काट सकते हैं। ईशा के प्रयासों ने पर्यावरण की बहाली के लिए एक नई दिशा स्थापित की है। अब पर्यावरण के कार्य किसानों, ग्रामीण समुदायों और व्यापक रूप से समाज के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक भी हैं। हम दुनिया भर में सन 2030 तक 1,00,000 करोड़ पेड़ लगाकर उनका संरक्षण करना चाहते हैं और इसलिए हमें खुशी है कि सद्गुरु आज हमारे साथ हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का मेल नहीं करते तो बेशक अर्थव्यवस्था ही जीतेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को इससे आर्थिक मुनाफा हो। प्रमुख मंचों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कई पुरस्कारों के माध्यम से ईशा की भूमिका को मान्यता दी है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए साफ पानी, हवा और मिट्टी वाली धरती को स्थापित करने के महत्वपूर्ण काम में सद्गुरु की भागीदारी का स्वागत किया है। एरिक सोलहेम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यकारी निदेशक। मेरे लिए आप सतत विकास लक्ष्यों के साकार रूप हैं। ये बहुत जरूरी है कि खेती को एक आकर्षक प्रक्रिया, आर्थिक रूप से एक आकर्षक प्रक्रिया बनाया जाए। तो एक साधन ये है कि हम बड़े पैमाने पर किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारा कोयम्बतूर के पास एक किसान उत्पादक संगठन है। हमने 3 युवा लोगों को 3 स्मार्टफोन दिए ताकि वे हर दिन कीमत पर बातचीत कर सकें। इसी से किसान की आय दोगुनी हो गई है। हम ईशा फाउंडेशन के साथ काम करके बहुत खुश हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में दुनिया भर से आपके जैसे और नेता आगे आएंगे। सद्गुरु विश्व पर्यावरण दिवस 2018 पर शुरू किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के आंदोलन में भी एक शक्तिशाली प्रभाव थे। सद्गुरु ने विश्वव्यापी फैशन को मानव कल्याण के लिए एक अधिक टिकाऊ प्रक्रिया में बदलने और भारत के पारंपरिक वस्त्रों को पुनर्जीवित करने के लिए फैशन फॉर पीस का लोकार्पण किया। नमस्कारम, मेरा नाम अपर्णा है। मेरी माँ एक दर्जी है। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है। ईशा की ग्रामीण शिक्षा परियोजना ईशा विद्या अब 2 राज्यों में 10 स्कूल चलाती है जिनमें 8,900 छात्र पढ़ते हैं। ये स्कूल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ये बच्चे कम से कम 47% बच्चे अपने परिवार की स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी हैं। उनके माँ बाप घोर गरीबी में हैं और जिस तरह वे खेल रहे हैं उनका उत्साह, जानने और सीखने की उनकी चाह, आप बस अपनी आंखों से आंसू लिए बिना उस जगह से बाहर नहीं आ सकते। ये स्कूल आदर्श स्कूलों के रूप में भी काम कर रहे हैं जिससे पूरे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। हमारे पास सरकारी स्कूल अपनाने के सरकारी आदेश हैं और साथ ही दिन का भोजन देने के भी। हम अपने जबरदस्त प्रेरणा से भरपूर 8 से 10 शिक्षक लगाते हैं जो इस काम के लिए प्रशिक्षित हैं और वे कमजोर छात्रों को पहचान कर उनकी मदद करते हैं। सद्गुरु भारत और दुनिया भर में शिक्षा के तरीके में बदलाव लाने में भी योगदान और मार्गदर्शन दे रहे हैं। अगले 25 सालों में दुनिया किस तरह की होगी ये इससे तय होगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्कूलों और घरों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा कोई
प्रोडक्शन लाइन नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है। एक समाज के रूप में क्या हम एक ऐसा वातावरण विकसित करने के लिए तैयार हैं जो एक बच्चे के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से बड़ा होने के लिए मददगार हो? ये वो सवाल है जो हम सभी को पूछना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए सद्गुरु के विचार अफ्रीका तक पहुंच गए हैं। युगांडा में सद्गुरु स्कूल ग्रामीण अफ्रीकी युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और भीतरी संतुलन और स्पष्टता के लिए साधन प्रदान करते हैं। ईशा की ग्रामीण स्वास्थ्य पहल दक्षिण भारत में सन 2005 से कमजोर और एकाकी समुदायों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती रही है। पिछले दशक में समुदायों को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि ग्रामीण लोग सेहत और खुशहाली अपने हाथों में ले सके। स्थानीय स्वयं सेवकों के लिए जागरूकता शिविर, हर्बल उद्यान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी सेहत प्रशिक्षण सेहत की संस्कृति बनाने में मदद कर रहे हैं। ग्रामीण कायाकल्प परियोजना का मुख्य उद्देश्य इंसानी जोश को फिर से जीवंत करना है। ये ग्रामीण कायाकल्प कार्यक्रम गांव में चिकित्सा सेवा, सामुदायिक पुनर्वास और मानव उत्थान भेंट करता है। तमिलनाडु के लिए आपने एक ऑर्गेनाइज वे में रचना करके काम को एक स्थायी रूप दिया है। मैंने तो आपके प्रयासों को खुद देखा है। कई सालों से जब भी इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, ईशा के स्वयंसेवक आपदा राहत प्रयासों में भी सबसे आगे रहे हैं। विश्व स्तर पर सेहत की संस्कृति स्थापित करने के लिए सद्गुरु दुनिया भर के नेताओं और संस्थानों के साथ भी काम करते रहे हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि हम मानव खुशहाली को देखें, न कि मानव स्वास्थ्य को। तभी आप इस पर विचार करेंगे कि एक इंसान पूर्ण कैसे बनता है और हर चीज पर एक साथ ध्यान देंगे। हमें सेहत की संस्कृति लानी है जहां हर इंसान अपनी सेहत के लिए प्रतिबद्ध हो। अगले 25 सालों में सेहत की संस्कृति लाई जा सकती है अगर ऐसा कर दिखाने के लिए जरूरी प्रतिबद्धता हो। लगभग 70 देशों और क्षेत्रों के 3 अरब से अधिक लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया है। कोरोना महामारी की वजह से आज हम बहुत अनिश्चित समय में रह रहे हैं। आपके अनुसार एक इंसान के रूप में, एक समाज और एक देश के रूप में कोरोना महामारी से हमें कौन सी सबसे बड़ी सीख मिली है? ये एक ऐसा समय है जब हर इंसान को हर संभव तरीके से एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से हम जो भी करते हैं उसमें हमारी काबिलियत के रूप में हम एक बहुत ही सरल शक्तिशाली प्रक्रिया भेंट कर रहे हैं जिसे सिंह क्रिया कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाती है। मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। क्रिया करने के तुरंत बाद मैंने अपनी सांसों की नली में ठंडक महसूस की। सांसों की नली बहुत साफ महसूस हो रही है। फिलहाल सभी चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टर्स और नर्सों के लिए हम इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन निशुल्क भेंट कर रहे हैं। इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन करके आप अपने सोचने और महसूस करने के तरीके में एक तरह का संतुलन और नियंत्रण ला सकते हैं। ये सारा ज्ञान जो सद्गुरु जी ने हमें दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मन को शांत करने के लिए वाकई किसी की जरूरत थी। धन्यवाद सद्गुरु। इस मुश्किल समय में ये मेरी प्रतिबद्धता है कि लोग भूख से न मरें। ईशा के कोविड सहायता प्रयास के एक हिस्से के रूप में ईशा स्वयंसेवक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कमजोर समुदायों को भोजन और बुनियादी सुविधाएं मिले। फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना से बचाव के लिए निशुल्क पीपीई किट भी दी गई। हम लोग भूल जाते हैं कि क्या मजा है खेल कूद में। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। खेल कूद को इनकी जिंदगी से जोड़ने का काम किया है ईशा फाउंडेशन ने। ईशा ग्रामोत्सवम ग्रामीण भारत के जोश का उत्सव मनाने के लिए एक बड़े पैमाने का आंदोलन बन गया है जो तमिलनाडु में फैल चुका है और आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो गया है। खेल, नृत्य और विभिन्न ग्रामीण कला रूप फिर से दैनिक जीवन का हिस्सा बन रहे हैं और ग्रामीण समुदायों को बदल रहे हैं। इन खेलों ने लोगों के बीच जाति और पंथ से परे एक स्तर की एकजुटता ला दी है। हर जाति और समूह के सभी लोग सब एक साथ आकर एक खेल खेलते हैं और एक टीम की तरह महसूस करते हैं।
ये गांव में कोई मामूली बदलाव नहीं है। Congratulating Sadhguru ji and Isha Foundation for doing such a fantastic job. I've heard so much about this, but to be actually present here and to witness has been simply incredible. इस राज्य में कई कलारूप हैं और कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। हम इनमें से 15-20 को चुनकर उन्हें गांव में जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस मुद्दे को उठाया है। सबसे जरूरी ये है कि हम इस देश के लोगों को प्रेरणा, स्वास्थ्य और खुशहाली के एक ऊंचे स्तर पर रखें। ईशा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के खेल विकास पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के युवा और खेल मंत्रालय ने भी ग्रामीण युवाओं के लिए खेल से जुड़ी अपनी विशेषज्ञ समिति में ईशा को शामिल किया और इसे एक राष्ट्रीय खेल प्रचार संगठन के रूप में मान्यता दी। ये जो कमाल का यूथ और ट्रूथ आयोजन आप कर रहे हैं, ये मुझे भविष्य के भारत की आशा देता है। जब कोई युवा होता है तो ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अगर आप युवाओं में थोड़ा संतुलन और स्पष्टता ला पाएं, तो मुझे लगता है कि जीवन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। हम सभी से संबंधित बातें हुई और जैसे सद्गुरु ने उत्तर दिए, हम बहुत आसानी से उनसे जुड़ पाए। हम लोग ये तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए और जीवन में आगे की योजना कैसे बनानी है। ये बहुत अच्छा है कि वे इस उम्र में हमारे लिए ये कर रहे हैं। आज तकनीकी की मदद की वजह से, कई तरह की तकनीकी शक्तियों और सुविधाओं की वजह से दुनिया में लोगों के एक बड़े समूह के लिए जीवन यापन की अच्छी व्यवस्था हो गई है। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा समय है इस संभावना को आजमाने का कि हम वाकई अधिक से अधिक लोगों को उनकी प्रतिभा को प्रकट करने में मदद करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अब तक की सबसे महान पीढ़ियों में से एक हो सकते हैं। इसी आशा और मिशन के साथ यूथ एंड ट्रूथ शुरू किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सद्गुरु को उनके सारे आध्यात्मिक योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। अब सरकार आध्यात्मिक प्रक्रिया को दुनिया में एक शक्तिशाली प्रक्रिया के रूप में पहचानने लगी है। ये पूरा प्रयास एक स्वयंसेवी प्रयास है। इस संगठन को वॉलंटियर चलाते हैं। यहाँ मौजूद 4,000 से ज्यादा पूरा समय देने वाले स्वयंसेवक और 70,00,000 से ज्यादा दूसरे स्वयंसेवकों ने काफी कुछ किया है। उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है और काफी समय और प्रयास लगाया है। मुझे लगता है कि उन सभी के लिए ये एक अद्भुत स्वीकृति है कि उन्हें देश ने अनदेखा नहीं किया है। आध्यात्मिक प्रक्रिया दुनिया के हर समाज के लिए एक जीवंत प्रक्रिया बननी चाहिए। धर्म या फिलॉसफी या शिक्षा के रूप में नहीं, बल्कि खुशहाली की एक तकनीक के रूप में।